करनाल के इंद्री हल्के के करीब 12 से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से फसल और सब्जियों में काफी नुकसान हुआ जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो दूसरी फसल उगा सके उन्होंने अगली अपील की है और अपील करते हुए कहा कि तुरंत ही इस बारे में प्रशासन और सरकार को ध्यान देकर किसानों की मदद करनी चाहिए तो बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है किसानों की फसलें खराब हो गई हैं जिसके बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों पर इसका प्रभाव पड़ा है किसानों की, कि की, की, की फसलें तबाह हो गई हैं ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है जिसके बाद अब किसान परेशान है और सरकार से जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि वो नई फसल उगा सके ओलावृष्टि तो ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है बेमौसमी बरसात के कारण ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई किसानों को भारी नुकसान इसका हुआ है जिसके बाद किसान काफी परेशान है किसान की ओर से जो है प्रशासन से अपील की जा रही है सरकार से अपील की जा रही है कि उनको जो है बनता मुआवजा उनका दिया जाए ताकि वो अगली फसल उगा सके तो ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ़ गई जिसके बाद किसान काफी परेशान है